ईर्ष्या की चर्चा चल रही है साधु जी, आज समाप्त करेंगे। रोगी पति पत्नी की ख्याति देखकर ईर्ष्यालु हो जाता है। क्या रोग है पति को? ईर्ष्या का रोग लगा हुआ है। व्यंगात्मक शब्द, कटु शब्द, निंदा भरे शब्द, ये सब के सब साधक स्वरूप ईर्ष्या की ही अभिव्यक्तियां हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे के दोष, जिसके प्रति उसकी ईर्ष्या है, दोष देखता है, फिर वर्णन करता है, तो इसे ही निंदा चुगली कहा जाता है। कटु शब्द बोलता है, व्यंगात्मक शब्द बोलता है, सरकास्टिक वर्ड्स, ऐसे शब्द ईर्ष्या की अग्नि की जो ज्वाला है उसकी लपटे हैं। प्रत्येक साधक को साधक चलूं इस रोग से सावधान भी रहने की जरूरत, जागरूक भी रहने की जरूरत, और फिर पूर्णतया बचे रहने की जरूरत, अन्यथा ईर्ष्या एक ऐसी घुन, ऊपर से तो आपका व्यक्तित्व सही दिखाई देता है लेकिन भीतर से आप चल के राख हो जाते हैं। हर ईर्ष्यालु व्यक्ति चाहता है जिसके प्रति उसकी ईर्ष्या है उसको जला के तो वह राख कर देगा, ये उसकी आंतरिक भावना हुआ करती है। उसको ये पता नहीं कि तू ही जल के खाक हो जाएगा। ऐसा नहीं साधक चलो कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों का बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ते हैं, बिगड़ता भी है, लेकिन वह व्यक्ति तो परमात्मा के प्रेम में निमज्जित डूबा हुआ यही मानता है। व्यक्ति कोई भी साधन हो सकता है, निमित्त हो सकता है, लेकिन ये मेरे कर्मों का खेल है, और शांत हो जाता है। सत्य भी यही है साधक, इस सत्य को साधक ही जानता और पहचानता है। बीजापुर के एक नवाब मुसलमान हैं, लेकिन विद्वान योग्य बुद्धिमान हिंदुओं को, ईमानदार हिंदुओं को अपने राज्य में उच्च पद पर भी नियुक्त कर लेते हैं। दामाजी नाम का एक साधक है, उसे किसी राज्य का शासक बनाया हुआ है, नगर का कहिए, राज्य का कहिए, शासन दिया हुआ है। दंपत्ति बहुत आस्तिक हैं, परमात्मा के प्यार में डूबे हुए, संतान नहीं है, अपना कामकाज करते हुए परमात्मा की लीला निहारते हैं। जो प्रेमी साधक हैं, साधक चलो जो प्रेम के पुजारी हैं, उनके लिए संसार दुखालय नहीं है। संसार दुखालय उन्हीं के लिए है जो संसार को देने की बजाय हाथ पसारे बैठे हुए हैं, उनके लिए संसार दुखालय है। शास्त्र कहता है ये संसार सेवा स्थली है, हर व्यक्ति यहाँ दूसरों की सेवा करने के लिए आया हुआ है और सेवा करके अपना अपना ऋण चुकाने के लिए आया हुआ है, और ऋण लेना नहीं, पुराना हिसाब किताब चुकता करो और मजे से जन्म मरण के चक्कर से बच के यहाँ से निकल जाओ। ऐसे लोगों के लिए संसार दुखालय नहीं है, उनके लिए तो संसार
परमात्मा की, उनके राम की लीला है, लीला स्थली, सेवा स्थली, लीला स्थली। हर एक घटना में उन्हें परमात्मा की लीला दिखाई देती है और मौज करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। कोई रोता दिखाई देता है तो वह भी परमात्मा की लीला, कोई हंसता हुआ दिखाई देता है तो वह भी परमात्मा की लीला, कोई ठाका मारता है तो वह भी परमात्मा की लीला उन्हें दिखाई देती है और मस्त रहते हैं, स्वयं प्रसन्न रहते हैं, दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं, स्वयं सुखी रहते हैं, आनंदित रहते हैं और दूसरों को भी आनंद ही प्रदान करते हैं, सुख ही बांटते हैं। दामा जी ऐसे ही है, परमात्मा में पूर्ण विश्वास है। सारे नगर के उस जगह के बहुत चहेता है, बहुत इन्हें पसंद किया जाता है। ही इज हेल्पफुल टू एवरीबॉडी। तीन दिन से लगातार बारिश नहीं हुई, ऐसे ऐसे करते करते तीन दिन ही नहीं, तीन वर्ष भी हो गए हैं। तीन वर्ष से साधक चुनों अकाल की स्थिति आ गई है, हजारों मानव, हजारों व्यक्ति मरने शुरू हो गए हैं। जो बाकी रह गए हैं वे सिर्फ हड्डियों के ढांचे, रक्तहीन हड्डियों के ढांचे दिखाई देते हैं। दामा जी से ये सब कुछ देखा नहीं जाता। उन्हें नवाब के क्रोध की चिंता नहीं, इनके प्राण बचाने की चिंता है। अतएव नौबत ये आ गई हुई है इस वक्त कि लोग सूखे पत्ते खा के तो गुजारा करते, लेकिन सूखे के कारण अब सूखे पत्ते भी उपलब्ध नहीं रहे। दामा जी ने घर में जितना कुछ पड़ा हुआ था सब बांट दिया। बड़ी भीड़ लग गई दामा जी के निवास स्थान पर, यहां तक राजकोष में भी जो कुछ वो अन्न के रूप में इत्यादि इत्यादि लेता था वह भी खोल दिया, वह भी सब कुछ बट गया। दामा जी बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। ये प्रसिद्धि दूसरे की हर एक से देखी नहीं जाती, ये ख्याति हर एक से देखी नहीं जाती। अपनी तो ठीक है, लेकिन दूसरे की ख्याति सहन नहीं होती। तो जहां दूसरों की सहायता करने वाले व्यक्ति होते हैं वहां उनकी टांग खींचने वाले भी व्यक्ति हुआ करते हैं, एक नियम है। अतएव उनमें दोष देखने शुरू करेंगे, किस ढंग से उनके दोष वर्णन करने शुरू करेंगे, किस ढंग से इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, किस ढंग से इस व्यक्ति को दुख दिया जा सकता है, और उस दुख को देख देख कर मैं सुखी हूं और सुखी हूं, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति के चिन्ह है। एक ईर्ष्यालु सूबेदार है, उसको ये पता लगा तो उसने जाके नवाब साहब से शिकायत की। साहब, उस दामा जी ने इतना भी नहीं किया, उसके अंदर इतनी भी अकल नहीं थी कि आपसे कम से कम इजाजत तो लेता। राज्य का जितना भी सामान उसको बांटने से पहले कम से कम आपसे पूछता तो। बहुत भड़काया है, बहुत भड़काने के बाद ये ईर्ष्यालु व्यक्ति किस प्रकार से नुकसान करते हैं, होता है। हुक्म दिया, सेनापति जाओ इसी वक्त दामा जी को बंदी बना के तो मेरे सामने पेश करो। ईर्ष्यालु व्यक्ति देवियों सज्जनों, वैसे तो चूहा और सांप उनसे तुलना की जाती है, चूहा भी कुतरता है, काटता है, उसे स्वयं को कोई लाभ नहीं होता लेकिन दूसरों का नुकसान कर गया। सांप भी काटता है तो उससे उसको कोई फायदा नहीं है
लेकिन दूसरे की तो मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से संत महात्मा कहते हैं, ओले फसल को बर्बाद कर देते हैं, स्वयं बर्बाद हो जाते हैं साथी, लेकिन उन्हें फसल बर्बाद करने का जो सुख महसूस होता है ऐसा ही है ईर्ष्यालु। सूबेदार साहब ने जाके शिकायत की है, सेनापति आ गए हैं कुछ सैनिक लेके तो बंदी बनाने के लिए। दामा जी उस वक्त पूजा में बैठे हुए हैं, गीता जी का रोज पाठ करने वाले ये दामा जी, प्राय पति पत्नी दोनों इकट्ठे ही पूजा के लिए बैठते, उनका नियम था सुबह शाम पूजा करनी, दिन भर भी राम नाम जपते रहना, नाम के उपासक, विठल भगवान के उपासक, पंडरपुर आया जाया करते प्राय। जिस वक्त सेनापति आए हैं उस वक्त भी दामा जी गीता जी का पाठ कर रहे हैं, ऐसे ही उठा लिया, बंदी बना लिया। दामा जी ने अपनी गीता जी को बगल में ऐसे ही छोड़ा नहीं, वहां अपने साथी ले लिया, हथकड़ी लग गई। दामा जी को हथकड़ी लग गई है, नगर से निकलते निकलते जो भी कोई दामा जी को हथकड़ी लगे हुए देखता है बहुत दुखी होता है, कोलाहल मच गया, मानो लोग विद्रोह करने के लिए तैयार हैं, ये अन्याय है, ये तो देवता है, इसको बंदी नहीं बनाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। दामा जी उन्हें शांत करते हैं, ना भाई, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, सेनापति को अपना कर्तव्य निभाने दो, मेरे किस कर्म का फल होगा, अभी करना सही, किसी कर्म का फल होगा, कभी कुकर्म मेरे से हुआ होगा जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है, आप शांत रहो, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, पत्नी को भी ढालस दिया है, चिंता नहीं करनी मेरी, परमात्मा मुझे एकांत में नाम जपने का मौका दे रहा है, खूब नाम जपूंगा, मेरे पीछे मुझे याद ना करके तो परमात्मा को याद करना, अधिक याद करना, तू भी राम 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 जपती रहना। रास्ते में पंडरपुर पड़ता था, जाके मत्था टेका है, हथकड़ी लगी हुई है, मत्था टेकने के साथ ही साथ मस्ती आ गई, मस्ती आ गई तो हथकड़ी को ही करताल बना के तो दामा जी वहीं नाचने लग गए हैं। लोगों को क्या पता ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उधर देवी सज्जनों, एक श्याम वर्ण का किशोर अपने कंधे पर एक काली कंबली सी डाली हुई है, बहुत मनमोहक चेहरा, चमकती हुई आंखें, एक थैली में पैसे लिए हुए हैं, उनके पास पहुंच गए हैं बीजापुर। निर्भय, कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं, कोई भय नहीं, दरबार में जाके पहुंच के कहा, मैं दामा जी का नौकर हूं। उस किशोर ने कहा, मैं दामा जी का नौकर हूं, जो अन्न उन्होंने प्रजा की सहायता के लिए बांटा है उसका मूल्य चुकाने के लिए आया हूं, थैली रख लीजिएगा, पैसे गिन लीजिएगा, मुझे रसीद दे दीजिएगा। एक किशोर ने कहा, किसको सुरत है, किसको फुर्सत है कि वह थैली के पैसे गिने, वह चेहरा इतना मनमोहक है कि उस व्यक्ति की आंख उठती नहीं है, देखे जा रहे हैं, मुदित होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं। किसी को कहा, इस थैली में पैसे गिन लो, जैसे थैली खाली करता है फिर भर जाती है, रसीद दे दी। रसीद दे के कहा, मेरा नाम बिट्ठू है, बिट्ठल भगवान बिट्ठू बन के आए हुए हैं, कहा मेरा नाम बिट्ठू है, मैं दामा जी का नौकर हूं। रसीद लेके किशोर अंतर्धान हो गए।
इस सुल्तान की बड़ी बुरी हालत है, इस नवाब की इतनी बुरी हालत है कि मानो जो गया है वह मेरे प्राण ही लेके चला गया है साथ ही साथ। दो दिन के बाद दामाद जी पहुंचे, पैदल ला रहे होंगे, इतना समय उन्हें लग गया पहुंचते पहुंचते नवाब साहब के पास। नवाब साहब तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उसी वक्त हुक्म दिया इनकी हथकड़ी खोल दी जाए। हथकड़ी खोली, उन्हें अपने गले लगाया, कहा भैया बाकी की बातें तो बाद में करेंगे, मुझे एक बार उस बिट्ठू के दर्शन करवा दे, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकूंगा। मैं इतने दिन तेरी प्रतीक्षा में अपने प्राण संभाले हुए हैं हुए हूं, नहीं तो मर जाता। मुझे एक बार उस बिट्ठू के, उस बालक के दर्शन करवा दे। दामाजी ने कहा, नवाब साहब मुझे माफ करें, मैं तो स्वयं आपका नौकर हूं, मेरा कोई नौकर नहीं, मैंने किसी के हाथ कोई पैसे भेजे नहीं। लगता है विट्ठल भगवान आपको दर्शन दे गए, भगवान कृपा करके दया करके तो आपको दर्शन दे गए, आप बहुत भाग्यवान हैं। मैं नहीं सुनना चाहता ये सब कुछ, नवाब कहता है, जो रसीद मैंने दी थी वह तेरी गीता जी से लटक रही है, वही रसीद है, मैं कैसे मानूं कि वह तेरा नौकर नहीं है और तूने पैसे नहीं भेजे, यही रसीद मैंने यहां से भेजी थी, वह तेरी गीता जी से लटक रही है। दामा जी बेचारों को पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या भगवान खेल खेल रहे हैं। दोनों दामाजी के निवास स्थान पर पहुंचे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, नवाब कहते हैं मुझे वहां ले चल, अपने निवास स्थान पर ले चल, वहां जाके मैं उस विट्ठल को, भिट्ठू को फिर देखना चाहता, उसके दर्शन करना चाहता। दोनों ने कहते हैं साथ चलो, वहीं बैठ के तो परमात्मा की आराधना की है। नवाब वापस नहीं गए, भगवान के दर्शन हुए हैं दोनों को। कहते हैं बीजापुर में दोनों की समाधियां एक साथ बनी हुई हैं। जिसने ये शिकायत की थी उसको आजीवन कारावास दिया गया है। यहां पर भी यातनाएं ऐसी व्यक्ति के लिए, और परमेश्वर के घर में भी नारकीय यातनाएं उसे मिली। संत स्वभाव के साधक जनों, संत महात्माओं के लिए यही कहा जाता है, कभी भूल से भी उनकी निंदा नहीं करनी है, उनके प्रति ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव कभी मन में ना आए, उन्हें नीचा दिखाने का भाव कभी मन में ना आए। उनकी सत्संगति से लाभ लीजिएगा। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इसी के साथ साथ सुनो, ईर्ष्या का प्रसंग समाप्त होता है। परमेश्वर से गर्भवत प्रार्थना है, परमात्मा हमसे अधिक तू जानता है किस किस के अंदर कितना कितना रोग ये घर किए हुए है, हमें बल दे कि हम इस रोग से मुक्त हो सके। कृपा कर परमेश्वर, कृपा कर, हम सब पर बहुत निर्बल हैं, बहुत दुर्बल हैं, तेरे बल के बिना हम इस रोग से कभी मुक्त नहीं हो सकेंगे। परमेश्वर तेरी कृपा सब पर बनी रहे, सदा सदा सब पर बनी रहे।